अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम सबको यूटिलिटी फॉर्म करता है कि यूट्यूब चैनल के यूट्यूब चैनल को वॉच टाइम और व्यूज़ को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। इन शॉर्ट ये एक ऐप है जो हमारे चैनल की वीडियोज़ को ऑटोमेटिकली चलाएगा, उन्हें ऑटोमेटिकली क्लोज करेगा। इन शॉर्ट ये कि ये हमारे पूरे चैनल को वॉच टाइम कंप्लीट करने में हमारी मदद करेगा। अगर हम रैंडमली किसी भी लैपटॉप पे वीडियो चलाते हैं, एक लैपटॉप पे एक दिन 100 वीडियो चला लेते हैं, दूसरे दिन दोबारा उसी लैपटॉप पे 100 चलाते हैं, 3-4 दिन ये काम कर चलता रहता है, तो उसके फौरन बाद ना यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये फेक वॉच टाइम आ रहा है, तो वो ना जो हमारा वॉच टाइम होता है उस चैनल का वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर यही काम करता है कि आपकी वीडियोस की लिंक लेगा उसको और आपसे पूछेगा कि कितने टाइम के लिए चलाना है, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इस वीडियो एक वीडियो यानी कि आपने अगर 10 मिनट तक चलाई है उसके बाद कितने मिनट का डिले है। तो इस तरह आप जितनी मर्जी चाहे लिंक्स ऐड कर देंगे उस सॉफ्टवेयर में और वो सॉफ्टवेयर वो वीडियोज़ चलाता रहेगा। बेसिकली ये एक फंक्शन है इस सॉफ्टवेयर का, और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली उन लोगों के लिए जो दूसरों को वॉच टाइम कंप्लीट करके देते हैं, दूसरों को मोनेटाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो एक न्यू बंदा आता है यूट्यूब पे वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो चलें देखते हैं ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है। तो चलें सॉफ्टवेयर चला कर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो आपको ये एक्सेल फाइल हमारी तरफ से दी जाएगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ये सॉफ्टवेयर बाय करने में तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो लिंक्स ये जो यूज़र नेम है ये हम आपको बताएंगे जब आप हमसे खरीदने के, तो आप ये इंटर होंगे इस सॉफ्टवेयर में तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा कि यूट्यूब रूरल यूटिलिटी। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि इंटर द यूट्यूब रूरल विद स्पेसिफिक टाइम एंड टाइम कैप। तो सबसे पहले वो चीज़ मांग रहे हैं URL, तो हम इधर से URL दे देते हैं, फेक URL दे देते हैं कि ये लिंक है, ये हमारी वीडियो है, ये हमने चलानी है, तो ये दे दी। उसके बाद वो कह रहा है कि स्पेसिफिक टाइम बताना है कि कितने टाइम के लिए ये वीडियो चले, एंड टाइम कैप, और उसके बाद कैप बताना है कि कितना गैप उस वीडियो में है, सेपरेटेड बाई कॉमर्स। तो कॉमा लगाया मैंने, मैं कह देता हूँ कि मुझे ये वीडियो 30 सेकंड्स तक चले, और फिर मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड कट लिया आ जाए, ठीक है, एक क्लिक होगी। फिर मैंने इंटर प्रेस कर दिया, फिर मैं कहता हूँ कि मैं 3-4 और वीडियो ऐड कर लेता हूँ, तो मैं ये 4 लिंक्स कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये अपने पास पहले कॉपी किए रखे हैं, तो ये पेस्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो अपनी वीडियोज़ होगी तो आपने अपनी वीडियोज़ की लिंक कॉपी करनी, इधर पेस्ट करनी, और फिर आगे टाइम दे के ना रन करना सॉफ्टवेयर। तो इधर मैं दे देता हूँ कि 10 सेकंड तक ये वीडियो चले और उसमें ना 5 सेकंड कट ले आ जाए। सेम ऐसे इधर भी दे देता हूँ 15 सेकंड तक वीडियो चले और 2 सेकंड कट ले आ जाए। फिर मैं दे देता हूँ कि 10 सेकंड तक वीडियो चले और डिले आए जस्ट 6 सेकंड। तो इधर मैं कह देता हूँ कि 15 सेकंड तक वीडियो चले और 3 सेकंड कट ले, 4 सेकंड कट ले आ जाए, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखिए URL फाउंड्स यानी कि 5 URL इसमें आ चुकी है। तो ये सॉफ्टवेयर इन URL को ओपन करेगा ऑटोमेटिकली, उतने टाइम तक चलाएगा जितने यानी कि उधर मैंने बताया है, मेंशन किया हुआ है, तो उसके बाद वो खुद ही रन होती जाएगी नेक्स्ट वीडियो। चलिए देखते हैं। करना कुछ नहीं होता हमने, यानी कि जस्ट वेट ही करना है, तो वो खुद ही चलेगी जितने टाइम तक चलेगी। पहली वीडियो हमने 30 सेकंड रखा है तो 30 सेकंड तक चलेगी। तो वो वीडियो 30 सेकंड तक चलेगी, तो उसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो खुद ही ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। 30 सेकंड तक चली है, उसके बाद डिले आ गया, फिर वो नेक्स्ट वीडियो खुद ही ओपन करेगा। देखें तो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक 10 सेकंड तक थी। ये सिस्टम सारा यानी कि बैक एंड पे होता रहेगा। अगर हमने कुछ और करना है तो कुछ और भी हम जाके कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होना उसमें। ये देखिए
खुद ही वो ओपन किया जाएगा, वो खुद ही क्लोज करेगा उस ब्राउज़र को, और वो आपकी वीडियो चलाता रहेगा। असल में मैंने टाइम थोड़ा कम रखा है, वीडियो बनानी थी, तो अदरवाइज़ जितने मर्जी सेकंड आप चाहते हैं उतने चला सकते हैं, और जितने मर्जी लिंक्स ऐड करना चाहे कर सकते हैं। इस तरह इस तरीके से जो भी वॉच टाइम आएगा आपके चैनल पे वो परमानेंट होगा, वो ड्रॉप नहीं होगा। तो देखिए, मैंने एक बार म्यूट किया तो वो म्यूट ही है, तो आप इस तरह लगा के आराम से बैकएंड पे कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं आना। तो इसके अलावा अगर आपके पास 100+ लिंक्स हैं किसी चैनल की या अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस की, तो वो आप 100+ लिंक्स इधर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखे हुए हैं। आप पेस्ट करेंगे, आपके पास ये फर्स्ट टाइम आएगा, यानी कि 100 सेकंड तक ये वीडियो चलेगी और 5 सेकंड के लिए आएगा, फिर रन करेंगे तो जस्ट वो आपके सामने शो हो जाएगा कि किस तरह कितने टाइम तक चलते रहे। इस तरह ये पूरी वीडियोस 100 के 100 चलती रहेंगी। तो इस तरह जितने लिंक्स आपके पास होंगे वो चलेंगे, जितना आप टाइम टेबल देंगे उसके मुताबिक चलेंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ये सॉफ्टवेयर बाय करने में, तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकता है। अगर कमेंट बॉक्स में वो नहीं फील करता सेफ, तो वो हमसे हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम।